हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस क्रिस्पी चिली पोटैटोस। ये खाने में इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आप अगर एक बार इसे खाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, तो आइए फटाफट से बनाकर इसको तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम एक कप पानी डालेंगे। कप नहीं है तो आप कटोरी से एक कटोरी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ, साथ में इसमें एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन, तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम पानी को बॉईल होने देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी उबल चुका है। जब पानी उबल जाएगा तब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने पानी डाला था उसी से मैं एक कटोरी चावल का आटा डाल रही हूँ। तो हमें धीरे धीरे इसे डालना है और मिक्स करते जाना है। जब इसका पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा और ये कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं तो हम गैस को बंद कर देंगे। तब आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरीके से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और अब मैंने एक बोल के अंदर 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने उबाल कर छील लिया है और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है और अब इन ग्रेटेड आलू में हम चावल वाला मिक्सचर मिला देंगे। तो मैं इसमें गरम गरम मिक्सचर मिला रही हूँ। मसाला हमारा बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। तो हम हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। तो नमक हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार और साथ में डाल देंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। तो ये मैं एक छोटे चम्मच डाल रही हूँ। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। तो मैं इसमें 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है तो मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ। हमें मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है। जब हल्का गर्म रहेगा तब हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने इसे बिल्कुल आटे की तरह लगाकर तैयार कर लिया है लेकिन ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है इसलिए थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर से अच्छे से इसे मसल लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है और अब मैं इसे 3 हिस्सों में बांट दे रही हूँ ताकि हमें शेप बनाने में आसानी हो। और अब इसे हाथों से रोल कर लेंगे और फिर से हाथों में थोड़ा सा तेल लेके इसे इस तरीके से लंबा करेंगे और ऊपर की साइड प्रेस करेंगे ताकि हम इसे ट्रायंगल शेप दे पाए। अब हम इसे काटेंगे। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं काट रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काट रही हूँ। तो ये ट्रायंगल बनकर तैयार है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गैस पर रख दिया है। तेल हमारा गर्म है और अब हम इसमें सभी ट्रायंगल्स को डालेंगे। हमें ट्रायंगल्स को तब तक तलना है जब तक कि ये क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए। इसको तलने में टाइम लगता है। हमें डालने के बाद इसे टच नहीं करना है क्योंकि ये सॉफ्ट रहते हैं। जब हल्के क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इसे पलट कर तलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के ब्राउन हुए हैं और ये हल्के क्रिस्पी हो चुके हैं तब मैंने इनको पलटा है। इससे पहले हमें टच नहीं करना है। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने सभी ट्रायंगल्स को तलकर तैयार कर लिया है और अब मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 2 बड़े चम्मच कटे हुए लहसुन डालेंगे और उसे हम फ्राई करेंगे। तो हमें बस हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे अदरक। अदरक भी मैं इसमें कटा हुआ डाल रही हूँ। मैंने 1 इंच अदरक को काट कर इसके अंदर डाला है। इसको भी हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे और अब हम इसमें 1 लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो मैंने आधी शिमला मिर्च को लंबा लंबा काट लिया है और इसको भी हम फ्राई करेंगे।
तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। और अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, तो नमक मैं इसमें स्वाद अनुसार डाल रही हूँ और साथ में इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर सॉस डालने वाले हैं, तो हम इसमें मिक्स सॉस डालेंगे। तो हम एक बोल में पहले उसे बना लेते हैं ताकि हम फटाफट डाल पाएं। तो 1 छोटा चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच इसमें टोमेटो केचप डालेंगे और डाल के इन तीनों सॉस को पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 कप पानी और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा ये सॉस बनकर तैयार है और अब इस सॉस को इन सब्जियों के अंदर डाल देंगे। डालने से पहले मैं एक बार अच्छे से मिला ले रही हूँ। सभी सॉस डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर हमारा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। पानी डाल के भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच शहद डाल रही हूँ। शहद से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर पोटैटो ट्रायंगल्स जो हमने बना के रखे हैं, तो हम सभी ट्रायंगल्स इसके अंदर डाल देंगे। सभी पोटैटो ट्रायंगल्स डालने के बाद एक बार अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सभी को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें रोस्टेड तिल डाल रही हूँ। तो ये मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको डालने के बाद हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन। तो मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट डाला है, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा क्रिस्पी चिली पोटैटो बनकर तैयार है। इसे गरम गरम सर्व कीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।